जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गई। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 71। विषाय कामान यस्सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का ब्रह्म विद्या सिखावत हैं। परमात्मा कहता है, अर्जुन का तू जानता है कि शांति और शांतिपूर्ण रहने के लिए तुम्हें का करे के चाहिए? तुम्हें अपने मन में स्थापित सब इच्छाओं के त्याग कर दे के चाहिए। इच्छाओं से छुटकारा पावे के लिए लेन देन के चेतना और आशा का खत्म कर दे के चाहिए। एका खत्म करे के लिए तो का अपने आप का स्नेह और लगाव या मम कारम या ममकार से मुक्ति करे हुए। ममकार इस धारणा का कहा जाता है जैसे तो का लागत है कि जौन वस्तुएं और लोग तोहरे शरीर से संबंधित अहन ओ तोहार अहन। ममकार से छुटकारा पावे के लिए तो का अहंकार से छुटकारा पावे हुए। स्वयं का शरीर समझब इसके भ्रम ही अहंकार है। इस समय शांत और शांतिपूर्ण रहने के लिए तो का अहंकार से छुटकारा पावे हुए जो उनकी मूल स्रोत है। तो का एक भ्रम दूर करे हुए कि हम शरीर ही। जब तू इस भ्रम का खत्म कर देबा तो ममकार जौन ई मानत है कि तोहरे शरीर से संबंधित वस्तु और लोग तोहार हैं वो समाप्त हो जाए। जब ममकार समाप्त हो जाए तो शरीर और लोगों के लिए जौन आवश्यक है उसका प्रदान करे वाली चेतना भी समाप्त हो जाए। एक बार जब चेतना समाप्त हो जाए तो यहाँ वहाँ अर्जित करे वाला या प्रदान करे के इच्छाएँ भी समाप्त हो जाई हैं। तब मन शांत और शांतिपूर्ण रहे। जे लोग इस भ्रम से छुटकारा पाए ले हैं कि हम शरीर रही वो शांत चित्त हो जाते हैं और शांत रहते हैं। इसी प्रकार भगवान स्पष्ट रूप से हम सबका शांत चित्त और शांतिपूर्ण बने के लिए एक साधना प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं
और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम ब्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन आठ वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। विषाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिम् अधिगच्छति। ॐ विषाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिम् अधिगच्छति। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।